जाने भी नहीं दिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भैया, आप सब कैसे ठीक है? अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। जो बीमार है अल्लाह जी उनको शफा दे, जो बेटियों के रिश्ते के लिए परेशान है उनके अच्छे अल्लाह नेक बनाए रिश्ते, बेटियों के भी और बेटों के भी। हमें मैसेज आया था, कमेंट आया था, हमारे बच्चों के लिए दुआ करें, भाई और बहन के लिए अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे, अच्छे हम सफ़र अल्लाह उनको दे। तो सब के सद के अल्लाह मेरी बेटियों के भी नसीब अच्छे करे। व्यूअर्स, रात को बाजी लोगों के सफ़र के लिए मैंने चिकन बनाया है, तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, 4:30 बजे के फजर का टाइम है, तो इनके जाने की तैयारी। क्या टाइम है? 6:10 जी, गाड़ी लेट थी इसलिए मैंने आपको उस हिसाब से उठाया, मैं तो सोया ही नहीं हूँ। अच्छा, गाड़ी बहुत लेट है और ट्रेन बहुत लेट होती है। जी हाँ जी। तो अभी माशाल्लाह से नाश्ते का प्रोसेस शुरू है, चाय वगैरह रख दी है। हाँ जी हाँ जी। और रोटियां शोटियां, ये पेड़े शेड़े, ये घुमा घुमा के पेड़े जो है ना वो फिर पराठे। हाँ जी हाँ जी, सही है। तो माशाल्लाह भाजी भी अंदर नमाज़ पढ़ रही है, भाई भी नमाज़ पढ़ने गए हैं, और जो ना इंशाल्लाह अभी मैं भी नमाज़ वगैरह पढ़ूंगा। हाँ जी, और बेगम साहब भी नमाज पढ़ेंगे। नमाज मेरी पढ़ के व्यूअर्स सूझ गई हैं। हाँ जी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आप कह रहे होंगे मुंह नहीं धोया, आंखें मेरी बहुत ज़्यादा सूझ गई। अच्छा, सही है। हाँ जी सही है। चलें जी, इंशाल्लाह करते हैं, नाश्ता बनाते हैं, तो फिर आपसे रूटीन शेयर करते हैं। रहना आपने हमारे साथ, और न्यू आने वाले कर लें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। अभी मैं भी उठा हुई हूँ, तो इंशाल्लाह भी वीडियो करूंगा। स्किप नहीं करनी, फुल वीडियो स्किप नहीं करनी, फुल नहीं, इंशाल्लाह स्किप नहीं कर रहे, सब देख रहे हैं अच्छे तरीके से, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। जी बिल्कुल। और अभी हम वुज़ू वगैरह करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, और साथ साथ इंशाल्लाह आपसे रूटीन शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा नाश्ता लग चुका है, साग और साग उनके साथ जाने के लिए चिकन बनाया है, अभी नाश्ते में वही दे रही हूँ। बिल्कुल। और मैं मेहमानों को अंदर कहूँ कि आ जाएं, कम सलाम, बैठे बैठे मस्ता जल्दी करें नाश्ता। वो आधा घंटा रह गया ते नाश्ता ऐसा करना ते निकलना। सूखी रोटियां, गिलियां रोटियां बिच मेरे बनोई, और रास्ते में सूखी रोटी। हाँ जी, अभी मैं देखूँ अंदर जाके। काका उठ जाओ, नाश्ता कर लो। नाश्ता करना क्यों? मुझे नींद आ रही है, सर्दी लगी है। बस ठीक है, आप जाएं जी, ये इधर ही रहेगा। आप भी सोने लगो, आप जाएं। बस ये कराची, आप अकेले चले जाए, भाई को भेज देते हैं हम, क्या नाम है, सोदिया, आप हमारे पास रह जाओ। चलें आप ही आ जाएं, आ जाएं जल्दी करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सामान हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, बिल्कुल सारे रेडी हो गए हैं। हाँ जी, देर होगी अहमद भाई की कॉल आई है, कह रही है गाड़ी ने स्पीड, ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली है, तो जल्दी निकले। हाँ जी, घर से निकल रहे हैं। और इधर फैजान साहब भी बिल्कुल ऑलरेडी तैयार हो गए हैं। फैजान तैयार हो? हाँ जी, सारी रात नहीं सोए, सारी रात नहीं सोए, ना मैं सोया हूँ ना अहमद भाई सोए, मैं भी जागता रहा हूँ। हाँ जी, तुसी सारे के असी निगरानी करने रहे हैं, और जल्दी जल्दी करने चाहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम निकल चुके हैं, और जल्दी जल्दी में निकल चुके हैं। इंशाल्लाह होगी जगह, होगी। और सामान भी अब ज़्यादा हो गया बेगम साहब, सुबह सुबह टाइम है, हमें गाड़ी दे दे, रक्षा दे दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आसानी से जा जाएंगे। वो निकल गए होंगे, किधर हैं? आज आज निकले। वो किधर हैं भाई, चले गए? अंदर हैं। अंदर किधर हैं? हाँ अंदर ही, अभी मैं देखूँ तो सही। जी बाइक भी आ गए, वो चले गए थे वॉशरूम में, और नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गए गाड़ी, आ गई दूसरी। हाँ ले गए ले गए हैं, आ गई है वो गाड़ी। हाँ जी, बस आ जाए आ जाए, जल्दी करें, वो ज़्यादा देर हो गई है, क्योंकि ये ना फाटक बंद हो जाए तो फिर मसला बन जाए। हाँ जी हाँ जी, तो माशाल्लाह जी अहमद भाई भी गाड़ी लेके पहुँच चुके हैं, और गाड़ी भी वो फुल गीली हुई है, बारिश हुई है अहमद भाई। हाँ जी, मेरे घर हुई है, आपके यहाँ नहीं आई? नहीं, इधर नहीं आई। सही है, चलें जी बैठें, जल्दी करें, और इंशाल्लाह निकलते हैं स्टेशन। 35 मिनट रह गए, बस बैठें बैठें, ठीक है।
जी माशाल्लाह जी पहुंच आए हैं स्टेशन पे और गाड़ी भी तकरीबन पहुंचने वाली है, बिल्कुल तैयार है, मौके पे आए हैं, एन मौके पे तैयार है। और बेगम मेरी बिगड़ गई है कि मैंने साथ ही जाना है, साथ जाना है, मैं चली भी जाऊँ तो खैर है। अच्छा मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा जाने वाले। ठीक है फिर आप जाएँ, अल्लाह हाफिज़। बेगम मेरी जा रही है जी। आप तो खुश हो जाएंगे ना। मैं क्यों खुश हो जाऊंगा, किस लिए खुश हो जाएंगे भाई, मेरी बेगम जाती है तो जाना है। मैं किस लिए खुश हो जाऊंगा भाई, मैं जान छुटसी करूं, बेगम गई है। अच्छा एक रोटी कट गई। अच्छा रोटी कट गई, ठीक। और वो पांजा जा रहा है, हम पुल से नहीं आए, नीचे से आए। जी जी बिल्कुल, क्योंकि 16 नंबर डब्बा यहाँ पे रुकना है, हम 16 नंबर डब्बे में आ रहे हैं, हम कराची आ रहे हैं 16 नंबर डब्बे में। अहमद भाई भी कराची जा रहे हैं फिर? नहीं उन्होंने साथ बोला कहते हैं तो चला जाता हूं, आप गाड़ी ले जाना घर। हां बस वे धागा बांध के लेके जाते हैं। पापा कहे कि मेरा मियां मुझे ला के तो जल्दी करो, यहां पे आएगा ना 16 नंबर डब्बा या इधर ही? तकरीबन इधर उधर ही आएगा, बस थोड़ा सा या इधर ही। सही है, चले जी इंशाल्लाह, वेट करते हैं जब आते हैं। ये कुर्सी लगी हुई है ना, बैठ जाते हैं। हाँ ये कुर्सी पहले ही टूटी है, बर्फ वाली हो गई, पहले ही टूटी हुई है, ये बैठेंगी तो और ही गई। ठीक है वो जी, ट्रेन हमारी आ चुकी है और इधर जे ये देखें जी, परेशान। नहीं मैं नहीं परेशान, मुझे नहीं रुलाना, रोने लगी है। नहीं रोऊंगी, अभी गई नहीं। अभी गई वो। और वो गई, वो देखें मैं नहीं रोऊंगी, आंसू में आंखू आ गए हैं अहमद भाई, आंसू में आंखू आ गए हैं। मैं पहले रो चुकी हूँ घर पे, जो अब रोया। और ये कह रही थी जहेज वाली प्लेटें भी जा रही हैं साथ, ये देख इधर कैमरा बाजी इधर उधर मुंह करने। चले जी माशाल्लाह ट्रेन भी हमारी बिल्कुल पहुंच चुकी है और 16 नंबर 16 नंबर डब्बा हाँ जी आ रहा है अभी, इंशाल्लाह देखते हैं किधर रुकता है। अभी जैसे रुकेगा तो फिर इनको बिठाएंगे, सी ऑफ करेंगे। आ गए जी, अब डब्बा नंबर देखते रहना है। दस नंबर, कभी कभी ना उल्टा निज़ाम होता है, दो नंबर तीन नंबर आप शुरू हो गए। ये देखो बस सही खड़े हैं हम इंशाल्लाह। चले जी बैग, चले चले बाजी चले। माशाल्लाह जी ट्रेन रुक चुकी है और ये 16 नंबर डब्बा दोना निकल आया। फिजान फी मानिल्ला, ठीक है वीडियो कॉल वगैरह करते रहना, ध्यान से जाना, ठीक है ना, ठीक है। और बिल्कुल वहाँ पे दिल लगाना, अच्छे तरीके से काम करना, सोना काम करना, सब की नजरें आप पे हैं। हाँ जी अपने अम्मी अबू की उम्मीदों पे होता है अल्लाह कामयाब। ये ले ये बैग पकड़ लें फैजान,
जी माशाल्लाह ट्रेन में बैठ चुके हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। फी मानिला और पहुंच के आपने बताना है, ठीक है? ठीक है, रास्ते में बताते जाना किधर पहुंचना है। अल्लाह हाफिज। चले जी, आप ट्रेन ट्रेन के तक आना है। अच्छा जी, पता नहीं कब मिलेंगे जिंदगी कितनी है, यदि मैं बीमार रहती हूँ। कोई बात नहीं, कभी भी नहीं पिछड़े हैं, बस मजदूरियों के खातिर प्रदेश में जाना पड़ता है। कामयाबियां दे सब, बिल्कुल दुआ दो कि अल्लाह ताला उसको क्या नाम है कामयाबियां दे और अच्छा रिस्क दे। आमीन। अभी तो उसकी अम्मा का जो हाल होगा एयरपोर्ट पे, बस अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बस ये है कि अल्लाह ताला उसे कामयाब करे और अच्छा रिस्क सबको दे। हाँ जी, जी बिल्कुल, इंशाल्लाह चलते हैं। बहुत मेहनती है मगर प्रदेश है ना, माँ बाप होते हैं ना, बहन भाई होते हैं, कोई कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। ये है ना कि सारे होते हैं, वहाँ पे अकेला बंदा होता है। वही ना। हाँ जी, दूसरी दफ़ा काम कराया है, उसके नसीबों में था बाहर का सफ़र। अल्लाह बस कामयाबी से लेके जाए। ठीक है, अब घर चलते हैं। माशाल्लाह जी, अहमद भाई उतार के जा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई का। अल्लाह अहमद भाई को बहुत ज़्यादा दे, अल्लाह बहुत इतना दे, किसी चीज़ की कमी ना लगे, संभाल ना सकें, बेगम बच्चे माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती दें। बहुत अच्छे हैं। आजा आजा आजा। नहीं चोनू नहीं आना। आजा आजा, मन बाबा से लड़ना। मन बाबा यही है, यही है, मन बाबा यही है। ये देख, आजा, इसने अभी तक रोटी नहीं खाई है। आजा आजा, वो देख डांस कैसे कर रहा है, किधर गया, किधर गया, और पिछू आ से ये है ना मालकन आपकी, ये मालकन है ये। ना करो ना मन बाबा। चले जी, अभी चलते हैं घर, जाके देखते हैं। वो देखे कितना प्यारा डांस कर रहा है, वो खोद रहा है, कुआं खोद रहा है। ये देखा, शौकिया हो गया। सही है, कल इनका जो टोटा पड़ा है ना बाहर दरवाजे के आगे रख के ना, इसके लिए सुकून से रात को बैठा रहे, जमीन ठंडी होती है। नहीं वो पराली पे बैठता ऊपर वो। मन बाबा ना करो ना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता। रिवर्स देखे, इन्होंने मेरी छेड़ पकड़ी, ओ पिछू लता की आंख चक मारना। जी जी, कुछ भी नहीं कहता। चल डॉगी भाग जा, आज रोटी दो। हाँ जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँचे हैं हम। हाँ जी, बच्चे सोए अंदर से कुल्लियाँ लगा के। जी जी, माशाल्लाह जी, तैयारियां हो गई हैं, आते सारी मामा ने तैयार शेयर करके परे मारा है। बुरश पता नहीं किधर घुमा दिए ने, किधर रख दिया है, इधर ही होगा बुरश, ने किधर जाना है। बाबा टोपी फैजान की, वो फैजान अपनी पैंट भी भूल गया। ये टोपी अब्दुलरहमान को दे के गया है, पक्की पक्की, और पैंट मुझे दे के गया फैजान। झूठ। हाँ जी, नहीं जी, ओ कपड़े तय करते हुए पैंट। नहीं, उसने कहा था अंकल आप पहनेंगे तो आप बड़े प्यारे लगेंगे, अगर आप पैंट शर्ट पहनेंगे ना बहुत प्यारे लगेंगे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो इंशाल्लाह मैं पैंट पहन लूँगा। ओ तैयारी हो गई है, है? सच्ची? सच्ची? सच्ची पैंट मैं पहनूंगा ना। ओ नहीं, निकी जी है। ओ नहीं निकी जी लगे में। ओ ऐवे नहीं लगे, पिंडी आया था शर्ट भूल गया था। वो शर्ट मिली नहीं थी कहीं, खुद ही उसने ना कूड़े में, वो शर्ट मुझे दे गया था। अब वो कह रहा था जब वहाँ पे जाएंगे मैं पैंट दे जाऊंगा दो हिस्सों में। अब आप पैंट आ गई, ये आपको पूरी नहीं, क्यों नहीं पूरी, ये देखे लंबाई पूरी है, पट नहीं अच्छा लगे बीच। हाँ इतना मैं मोटा तो कौन, बेगम जी क्या हो गया, चोनी बाबा पैंट पहन लें कि नहीं। ये देखे मेरी गुड़िया रानी, अस्सलाम वालेकुम करो साहब।
करे हो जो जितने कपड़े चाहिए थे इतना ही कम हो गई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सारे माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। अभी तकरीबन 8:20 हो चुके हैं, तो 9:45 स्कूल लगेगा और अभी जाके इंशाल्लाह इनको स्कूल छोड़ के आऊँगा। और आए की कंगी जो है ना बनाया है ना वो बड़े मजेदार बनाया। अच्छा सही है। नहीं हमने खुद नहीं बनाया। अच्छा सही है। ठीक है बेगम अब इनको मैं स्कूल छोड़ के आता हूँ। और क्या करना और कुछ लेके तो नहीं आना। डैडी मेरी कंगी हुई है। हाँ सही है। हाँ ये मनी कहते कहते मम्मा जी आए तो आपने अस्सलाम वालेकुम नहीं किया। आए गुड मॉर्निंग। हाँ जी टोपी बनाऊँ। अच्छा टोपी बनाओ। अच्छा हो ना मेरी मेरी कंगी काट दे। मेरी मेरी मैं मेरी 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 कंगी काट दे। मेरी ऐसे करवाती है रिवर्स। ये कंगी नहीं तो कर राजद कह रहे मेरी करो तो ये कह रही मेरी करेंगे। नहीं नहीं मेरी नहीं 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 मुंडा आके नहीं 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 मुंडा आके कंगी होगी। छोटी सी है उससे कर रही हूं दूसरा ब्रश ही कंगी नहीं मिल रही। दो ब्रश है दो कंगियां हैं एक भी नहीं मिल रही। इन्होंने पता नहीं किधर से ये लग रही है इसकी। अच्छा छोड़ो जब ये कोई काम ना करे ना मसलन कुछ भी तो कह दो ये मैं करूंगा फौरन भागती है। बस ठीक है जी हो गया ऐसे भाग जाती है। शॉपनर वगैरह तो नहीं शॉप किए हुए गंदे तो नहीं है। सही है। क्या हुआ शुक्र है इतना टाइम भाई काफी टाइम था भाई वहां से तो घंटा था। घंटे में जल्दी जल्दी बच्चे भी तैयार हो गए स्कूल जाएंगे। तो आज आप किसी किस बच्चे का टेस्ट है। सोने की दुआ किसको आती है। हाँ जी सुनाओ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु। और एक आंटी कह रही थी कि मसलन अपने बच्चों को सोने की दुआ सिखाएं। आप कहें कि हमें सब कुछ आता अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं आती हैं रोज आपको आप सुनाया करेंगे। इंशाल्लाह उसी मेरे पुत्र को आती है। अलीशा आप भी आयतल कुर्सी सीखो ठीक है। वो हम लेके आए वो किधर है आयतल कुर्सी। वो आज लगानी है यहाँ पे लगाएंगे ना। वो ऊपर रखी थी उस दिन हम लगाने लगे थे तो फिर जो है ना ये ऊपर रखी है। हाँ जी अब ये वैसे कमरे में या इधर बाहर होनी चाहिए बेगम जी। अब ये किधर तो दिल एक कमरे में लगाऊं ताकि नहीं मैं तो कहता हूँ बाहर लगाते हैं। आयतल कुर्सियों में आयतल कुर्सी में मेरी गलतियाँ हैं कई कई इक्का दुक्का वो मैं देख रोज। हाँ जी पाला नहीं है ये दुरूद तंजीना है और ये आयतल कुर्सी। ये देखें जी माशाल्लाह आयतल कुर्सी उस दिन हम लेके आए थे ठीक है। और मैं आपको सुनाती हूँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम वल वाली ला हु अल हय्युल कय्यूम। बस ये मैं सामने लगाऊंगी ना मैं इंशाल्लाह आपकी नहीं ये गलतियां जो है ना बीच में मैं भी लगावा ये। हां जी बेटा ये ये पता क्या है मैं आपको बताता हूं यहां पे लगाएंगे ना बाहर इससे होगा ना जो भी हमारे घर में मान आएगा ना उसकी नजर पड़ेगी और उसको आयतल कुर्सी भी आ जाएगी पढ़ना। बिल्कुल दोनों इधर लगाएंगे सामने इधर लगाएंगे दरवाजे के ऊपर। बिल्कुल जिधर भी है यानी कि इधर सामने होंगे ना चलो खड़े होकर दुरूद तंजीना पढ़ दिया कुछ भी पढ़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह तो उधर अंदर लगाओ। जब मैं इधर खाना वगैरह बनाऊंगी तो पढ़ लिया करूंगी। बिल्कुल नहीं तो इधर भी नहीं उधर नहीं यहाँ पे सही है। जो भी इधर बाहर से आएगा ना जो इधर बाहर से आएगा उसकी डायरेक्ट नज़र पड़ेगी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पड़ेगा और उनको भी स्वाब होगा हमें भी होगा। बिल्कुल कितने दिन हो गए लेके आए खानपुर गए थे वो जब बच्चों के यूनिफॉर्म लेने क्या मेरे हाल में कुछ लेने गए थे शूज लेने। हाँ जी तो ये छोटा सा बच्चा था कह रहा था ये मुझसे दो ले ले हमारे घर में आटा नहीं है। बहुत छोटा सा था इतना उसको देख के दुख लगा व्यूअर्स। फिर हमने उसको दिया भी दिया थोड़ा ज्यादा दिया। हमने कहा बेटा कोई बात नहीं आप ये भी नहीं ये भी रख ले किसी और को दे देना उनसे दिया लेना। कह रहा नहीं फिर मेरे दिल में होगा भाई मैंने इनको ये दिया नहीं है भाई मुझे नहीं अच्छा लगेगा। ऐसी उस बच्चे की तरबियत थी। वो बच्चा मांग भी तो सकता था ना जी। बिल्कुल तो उसने ये माशाल्लाह से बाकी सब खत्म हो गए थे। मुझे दुरूद शरीफ का था मैंने कहा मैं दुरूद शरीफ भी लूँ
ताकि जो भी देखे दुरूद शरीफ पढ़े। जी जी। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई ये मैं लेके आई हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बच्चे के हाँ बेटा वहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे थे तो एक बच्चे के पास ऐसा था ये उतारो तो स्टिकर था साथ चिपक जाता नहीं हाँ। इसको ना हम ना करेंगे धागा बांध के ना तो यहाँ पे किल लटका किल लगा के इसके साथ लटका निकिया निकिया किल्ला केड़िया ना अच्छा वो जो ठीक है मोची वाली किले वो छोटी छोटी ना सही है वो ले आएंगे इंशाल्लाह सही है चलें जी इंशाल्लाह इस व्लॉग का करते हैं यहाँ पे एंड। मेहमान गए हमारे चले तो पेंट गया बच्चा छोड़ अब पेंट उसकी भेजेंगे हम सोदिया किसी तरीके से पार्सल कर देंगे कुछ ना कुछ करेंगे जो भी है नहीं तो उसके अम्मी अबू जब आएंगे तो दे देंगे वो घर में उसका छोटा भाई पहन लेगा। हाँ जी ठीक है ना तो वो फिर खानपुर से अल्लाह करे यहाँ पे जट्टे भुट्टे में ट्रेन रुके तो पेंट जब हम जाएंगे लाहौर ले जाएंगे उसका भाई पहन ले न्यू पेंट है अभी लेके आया है तो व्यूअर्स दिल तो बहुत दुखता है बस अल्लाह ताला मेरे भांजे को सब परदेसियों के साथ सबसे पहले सेहत तंदरुस्ती दे और अच्छी सी कमाइयाँ हो कोई उसके साथ धोखा ना हो क्योंकि उनका रोटी भी हम कंपनी की तरफ से कपड़े भी धुले हुए मिलेंगे हर चीज़ कंपनी की तरफ से तनख्वाह भी अच्छी है तो अल्लाह करे ये सब कुछ सच हो अल्लाह करे क्योंकि वो नाजुक इतना नाजुकों से पला है तो घर में तो वो उठ के एक गिलास पानी नहीं था पीता उधर आप सारे काम करेगा तो इंशाल्लाह मेरे प्यारे बहन भाइयों हमें दुआओं में याद रखना अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे तो आप सबका बहुत शुक्रिया इतने अच्छे कमेंट किए हैं मैं हमारे मेहमानों के बारे में हमारे खानों के बारे में और सब ने बोला जी मेहमानों का रिज्क अल्लाह देता है कोई शक नहीं है अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे मेरे सोने भैरों अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।